आप आपको खबर देंगे, हुकूमत ने ईदे कुर्बान से पहले तनख्वाहदार तबके की बजट में कुर्बानी कर दी। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ करवा दिए गए हैं। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद होंगे। सालाना 6 लाख तक तनख्वाह पर इनकम वालों के लिए छूट बरकरार है। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई है और सालाना 22 लाख तक तनख्वाह पर 30,000 रुपए फिक्स टैक्स और 10 लाख पर 15% इनकम टैक्स होगा। 22 से 32 लाख सालाना तनख्वाह पर 1,80,000 फिक्स टैक्स और 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स। जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब निजामी से। जी अपडेट कीजिए। अदा तबका है उसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ जो जो 6 लाख की हद है वो बरकरार है, बाकी तमाम के तमाम टैक्सेस जो है वो तकरीबन डबल हो गए हैं। अगर सालाना आमदन जो है अगर 6 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर पहले 2.5% टैक्स था जो अब बढ़कर 5% कर दिया गया है। इसी तरह जो सालाना आमदन 12 से 22 लाख के दरमियान है उसके ऊपर एक तो फिक्स टैक्स है 30,000 रुपए का, साथ साथ जो है वो जो 10 लाख से ज्यादा आमदन बचेगी उसके ऊपर 15% इनकम टैक्स आइड किया गया है जो कि 12.5% था। इसी तरह जो 22 से 32 लाख की तनख्वाह है उसके ऊपर 1,80,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा और जो 10 लाख से ज्यादा आमदन है उसके ऊपर 25% इनकम टैक्स आइड किया गया है जो कि पहले 22.5% था। इसी तरह जो आमदन सालाना जो है वो 32 से 41 लाख रुपए के ऊपर आती है सैलरी उसके ऊपर 4,30,000 रुपए फिक्स थी उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स आइड किया गया है। इसी तरह जो 41 लाख की सालाना आमदन है जो पहले 60 लाख से ज्यादा हद के ऊपर आती थी उसको कम करके 41 लाख पर लाया गया, इसके ऊपर इसमें 7 लाख रुपए फिक्स टैक्स होगा जबकि जो इजाफी तनख्वाह इसके बाद बचेगी उसके ऊपर 35% इनकम टैक्स होगा जबकि इससे पहले तमाम का तमाम हद जो है जो अगर 5-7 लाख सालाना इनकम टैक्स की शरह जो है वो 35% थी उसको बढ़ाकर जहाँ 35% होगी वहाँ 7 लाख रुपए का फिक्स टैक्स भी आइड होगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शुएब निजामी। इनकी तफसीलात फाइनेंस बिल में शामिल कर दी गई है। टेक्सटाइल और चमड़े के मसनूआत के Tier 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा। तजवीज है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के Tier 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। ये टैक्स बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल और चमड़े की महंगी और ब्रांडेड मसनूआत पर लागू होगा। ये टैक्स उस तबके पर लागू किया जा रहा है जो ये महंगी अशिया खरीदने की इस्तेदात रखता है, इससे आम शहरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 3, मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज। कंसेशनरी रेट्स मार्केट में चंद मखसूस अशिया को फायदा पहुंचाते हुए डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं जबकि स्टैंडर्ड रेट इस बात को यकीनी बनाता है कि सबको यकसा मौके मुयसर हों और मार्केट फोर्सेस मुयसर तरीके से काम कर सके। नंबर 4, तांबे कोयला और कागज और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग का इतलाक। इस वक्त तांबे कोयले कागज और प्लास्टिक स्क्रैप से मुतालिक सेक्टर्स गैर मुनज़्ज़म हैं और कौमी खजाने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। इन सेक्टर्स में टैक्सेस की अदाई को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रजीम नाफिज की जाए।